आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण या सम्मोहन मूलभूत रूप से तंत्र का वो भाग है जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कोई किसी के संबंध में रुष्ट हो गया, कोई किसी की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, तो सबसे ज्यादा जो काम में लाया जाता है वो होता है वशीकरण। वशीकरण सम्मोहन में दो जो मूलभूत डिफरेंस है वो ये है कि वशीकरण में व्यक्ति आपके अंदर हो जाता है, आप जो बोलते हैं वही करता है, और सम्मोहन में वो प्रेमवश आपके वशीभूत हो जाता है। तो सम्मोहन क्रिया ही करनी चाहिए, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अघोर सम्मोहन क्रिया या अघोर मंत्र है सम्मोहन क्रिया। इसका दो विधान मैं आपको बताऊंगा, पहला गृहस्थों के लिए है और दूसरा तांत्रिकों के लिए है, ठीक है। ये मंत्र अगर आप सिद्ध कर लेते हैं 1,00,000 जाप करके गृहस्थ, 10,000 जाप करके वो साधक जिन्होंने गुरु मंत्र को सिद्ध कर रखा है, तो ये मंत्र आप दूसरे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रथम बार इसका प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे, गृहस्थों के लिए विधान ये रहेगा कि एक भोज पत्र पर आप जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस भोज पत्र को मोड़ करके और रोली से उसको बांध देंगे, या मौली जो बोलते हैं, हाथ में बांधने वाला कलावा बोलते हैं, उससे उसको बांध देंगे, और फिर उसको चाशनी में, चाशनी की एक बोतल लेंगे या फिर मधु की एक बोतल लेंगे और उसमें उसको डुबा कर रखेंगे जब तक आपका ये 7 दिन का जाप चलता है। इसके अलावा एक उपाय और होता है कि इसको जो है एक काठ में बांध करके, ठीक है, और उसको चिपका दिया जाता है। मतलब आपने एक भोजपत्र लिया, उस पे जो मैं मंत्र बताऊंगा वो लिख लिया, और उसके बाद उसको आपने एक लकड़ी पे गोल गोल करके रोल करके उसको चिपका देंगे, ठीक है। जो मधु वाला जो भोजपत्र है, जब 7 दिन की साधना पूरी हो जाएगी तो जहां पर चींटियों ने घर बनाया हो उस जगह जाके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो लकड़ी वाला भोज पत्र है उसके बीच से लकड़ी को निकाल करके किसी जंगल में जाकर के किसी पेड़ में एक मोटा कील लेकर के हम छेद करेंगे और उसमें ये भोज पत्र डाल के फिर उसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये गृहस्थों के लिए रहेगा, बाकी विधान जो है वो सेम रहेगा, ये विधान अलग रहेगा। जो तांत्रिक मार्ग से करेंगे उनको 108 गुलाब का फूल ले लेना है, ठीक है, और शुरुआत में जो है एक लाल कपड़े में उस 108 फूल को बांध देना है, ठीक, लाल कपड़े में, और उसी कपड़े में एक पर्चा जिसमें नाम गोत्र रहेगा जिसका वशीकरण होना है उसको डाल देना है, और अघोर मार्ग से ये एक रात्रि की साधना रहेगी। उसके बाद इस पोटली को 3 दिन तक आप रखे रहेंगे जब तक वो फूल सड़ ना जाए, और फिर इस जो सड़ा हुआ फूल है इससे ही हम हवन करेंगे और जो 109वां आहुति देंगे वो उस कागज का देंगे जिस पर नाम और गोत्र लिखा हुआ है। अब आते हैं मूल प्रक्रिया पर, ठीक है, तो इसमें आपको प्रयोग होगा एक तो भोजपत्र, ये हर विधान में भोजपत्र जरूरी है। लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, लिखने के लिए केसर को पानी में डाल करके आप इत्र बना लें, ठीक है, मतलब वो स्याही बना लें, या फिर गुलाब की स्याही में केसर मिला दें उससे भी इसको बनाए, ठीक है। और उसके बाद इस भोज पत्र पर क्या है कि आपको कस्तूरी इत्र छिड़क देना है, ठीक है। तो भोज पत्र लिया, केसर लिया, जल लिया या फिर केसर लिया, गुलाब का इत्र लिया, उससे इंक बनाया, अनार का कलम लिया, मतलब अनार की लकड़ी तोड़ी उसका जो है कलम लिया बनाया, और उससे इस मंत्र को हम उस भोज पत्र के एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो भी व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र लिख देंगे। ये गृहस्थों के लिए, जो तांत्रिक मार्ग से करेंगे वो सिर्फ नाम और गोत्र लिखेंगे, ठीक है, मंत्र नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसको जो है
जिस तरीके से बताया था उस तरीके से तैयार करके सामने रख देंगे। अब जो है 7 दिन या 1 दिन इसकी ही पूजा चलेगी, गृहस्थों का 7 दिन चलेगा। तो सामने घी का दीपक रखेंगे, गुलाब का धूप रखेंगे, गुलाब का इत्र छिड़केंगे फिर से, ठीक है। लाल जो है, लाल फल का यहाँ पर जो है हम नवेद देंगे, ठीक है, और कारण प्रसाद देंगे। जो तांत्रिक मार्ग से करेंगे वो कारण जो है सीधे उन फूलों पे चढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको मंत्र बता रहा हूं 3 बार, इसको आप लोग लिख लेंगे। मंत्र है ओम ह्रांग अघोरे ह्रिंग अघोरे ह्रुंग घोर घोरतरे सर्व सर्वे नमस्ते रूपे ह्रह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै विच्चै, ठीक है। फिर से मंत्र सुनिए। ओम ह्रां अघोरे ह्रीं अघोरे ह्रुं घोर घोरतरे सर्व सर्वे नमस्ते रूपे ह्रह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै विच्चै। तीसरी बार सुनिए। ओम ह्रांग अघोरे ह्रिंग अघोरे ह्रुंग घोर घोरतरे सर्व सर्वे नमस्ते रूपे ह्रह ऐं ह्रिंग क्लिंग चामुंडाये विच्चय विच्चय, ठीक है। तो इसी मंत्र का आप लोगों को जाप करना है 7 दिन में 10,000, और जो तांत्रिक विधान से करेंगे वो हर रोज 10,000 मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। तो जो गृहस्थ साधक है वो 70,000 मंत्र का जाप करेंगे, और जो तांत्रिक साधक है वो 10,000 मंत्रों का जाप करेंगे। गृहस्थ साधक जो पंच पूजा है उसको करने के बाद, जो मधु में आपने यंत्र बना के रखा है, ठीक है, या फिर लकड़ी से लपेट के रखा है, उसको निकालेंगे, जंगल में जाएंगे। उत्तम अमावस्या की रात्रि रहता है, तो जंगल में या जहां पर एक चींटियों का घर हो वहां पर जाएं और उस पत्ते को छोड़ दें। जैसे जैसे चींटियां उस पत्ते को खाएंगी, वैसे वैसे जो व्यक्ति है वो आपके प्रति वशीभूत होता रहेगा, ठीक है। और जो तांत्रिक साधक है वो क्या करेंगे कि इन फूलों को 3 दिन तक नहीं छुएंगे। 3 दिन के बाद जिन दो व्यक्तियों के बीच में सम्मोहन होना, जैसे आपके लिए होना है सम्मोहन, और जो व्यक्ति है जिसका नाम आपने उस पुर्जे में रख रखा है, उसके नाम को लेते हुए मैं अमुक व्यक्ति के साथ अपना वशीकरण चाहता हूं, जो अंतिम आहुति है उसमें दे देना है। बाकी जो 108 फूल है उसको मधु का स्पर्श करा करके नीम की समीधा से 108 बार हवन कर देंगे, ठीक है। असर इसका 15 से 45 दिन में दिखता है, कितना रहेगा वो तो आपके व्यवहार विचार पर निर्भर करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को बहुत दीर्घायु दे, जो प्रेम आप चाहते हैं जीवन में आपको मिले, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।